राजस्थान के दौसा जिले से साइकिल से योगी आदित्यनाथ को लखनऊ पत्र देने जा रहा युवक, जिसका उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इसके लिए उसने एक नया तरीका अपनाया। साइकिल के द्वारा वो अपने गृह क्षेत्र से लखनऊ के लिए निकला है, जहां पर वो जाकर योगी आदित्यनाथ को अपनी एक चिट्ठी प्रदान करेगा। दौसा से साइकिल से योगी आदित्यनाथ को लखनऊ पत्र देने जा रहा युवक अपने अयोध्या दर्शन कर पुनः अपने घर वापस लौट जाएगा। S7 के लिए अनुपम मित्रा के साथ पूर्ण वाजपेयी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। कहाँ के निवासी? मैं राजस्थान दौसा जिले से हूँ, मेहंदीपुर बालाजी के पास से। कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी यात्रा करते हुए बागेश्वर धाम होते हुए मैं अयोध्या के लिए जा रहा हूँ जी। बीच में मैं लखनऊ रुकूंगा, आदित्य योगीनाथ जी को मैं पत्र दूंगा जी कि जिस तरह से गौ माता को उत्तर प्रदेश में दर्जा दिया गया, उस तरह से अपने अखंड भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, भारत अखंड हो, इसकी मैं यात्रा कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य, ये लक्ष्य चल रहा है मेरा जी। तो ये क्या चाहते हैं, लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा? मुझे उम्मीद है जी। और मुझे विश्वास है कि राम लक्ष्मण जैसे जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, आदित्य योगीनाथ और मोदी जी जैसे जी, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होगी और जो हमारी गौ माता रोडों पर मर रही है उसको कन्हा में अपने खूंटों पर बांधा गया जाएगा दोबारा से। लगभग कितने दिन की यात्रा है आपकी? मैं 20 तारीख को निकला था जी और आज मुझे 8वां 7वां दिन हो चुका है जी। और मिलते ही क्या नाम है, आज मुलाकात हो जाती है मेरी आदित्य योगीनाथ जी महाराज से जी। उनको पत्र में दे देता हूँ तो मैं कल अयोध्या के लिए निकल जाऊंगा और अयोध्या से फिर मेहंदीपुर बालाजी के लिए साइकिल से ही वापस जाऊंगा।